सनसनी ऑफ इंडिया। निजामुद्दीन थाना इलाके के जनपुरा एक्सटेंशन में मेघालय के एडवोकेट ऑफ जनरल के घर में घुसकर नौकर की हत्या के मामले को एंटी एक्सटॉर्शन एंड किडनैपिंग सेल क्राइम ब्रांच सनलाइट कॉलोनी की टीम ने मात्र 3 घंटे के अंदर सुलझाते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वारदात का मास्टरमाइंड कोई और नहीं, एडवोकेट के ऑफिस में बतौर असिस्टेंट की नौकरी करने वाला पुराना कर्मचारी निकला। आरोपी अपनी इंसल्ट का बदला लेने के लिए एडवोकेट को जान से मारने और लूटपाट के इरादे से घर में घुसा था, लेकिन मौके पर एडवोकेट के न मिलने पर घर में मौजूद नौकर की हत्या कर लूटपाट करके फरार हो गया था। आरोपियों की पहचान वारदात का मास्टरमाइंड कनकरखेड़ा मेरठ निवासी 19 वर्षीय जिल्दिस मेहंदी व बवाना दिल्ली निवासी 20 वर्षीय अमन तिवारी के रूप में हुई है। दिनांक 27 जून सोमवार की देर रात थाना निजामुद्दीन में एक कॉल आती है कि जनपुरा एक्सटेंशन कश्मीरी पार्क भोगल मार्केट के पास फ्लैट नंबर 17B में कुछ बदमाश घुस आए हैं। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने देखा कि फ्लैट के 3rd फ्लोर पर घर के नौकर दीपक को कुछ बदमाश चाकू से घायल करके कुर्सी से बांधकर फरार हो गए हैं। पुलिस टीम ने घायल दीपक को तुरंत एम्स में भर्ती कराया। गंभीर रूप से घायल होने की वजह से उस समय दीपक का बयान नहीं हो सका था। जांच में पुलिस टीम को पता चला कि घर में 2 नौकर थे। घटना के बाद से कमल नाम का दूसरा नौकर लापता था। पीड़ित परिवार और पुलिस टीम लापता नौकर कमल को ही संदिग्ध मान रही थी। पीड़ित परिवार ने घटना को हल्के में लिया और किसी कानूनी पचड़े में न फंसने के चक्कर में रात को शिकायत दर्ज नहीं कराई। अगर शिकायतकर्ता ने उस समय घटना को गंभीरता से लिया होता तो जिस नौकर कमल को संदिग्ध समझ रहे थे शायद उसकी जान बच जाती। अगले दिन मंगलवार सुबह करीब 10:30 थाना निजामुद्दीन में एक और कॉल आती है। कॉल करने वाले ने बताया कि वो जनपुरा एक्सटेंशन कश्मीरी पार्क भोगल मार्केट के पास फ्लैट नंबर 17B से बोल रहा है। कॉलर ने आगे बताया कि मेरे घर में कमल नाम का लड़का घरेलू काम करता था। किसी ने उसके दोनों हाथ और पैर बांध कर बेड के अंदर डाल दिया है। उसके गले में रस्सी भी पड़ी हुई है जिसकी अब मौत हो गई है। मौके पर पहुंची पुलिस टीम को पता चला कि एडवोकेट अमित कुमार के यहां काम करने वाले अन्य कर्मचारी जब सुबह 3rd फ्लोर पर मौजूद ऑफिस में पहुंचे तो उन्होंने बेड को खोलकर देखा। बेड के बॉक्स में हाथ पैर बंधे हुए कमल का शव मौजूद था। रात में हुई घटना के बाद से जिस कमल को पीड़ित परिवार संदिग्ध समझ रहा था सुबह उसकी डेड बॉडी मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। थाना निजामुद्दीन में FIR संख्या 187/23 धारा 302/397 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। घटना को लेकर इलाके में जहां दहशत का माहौल था वहीं अभी तक की जांच से स्थानीय पुलिस के खिलाफ लोगों में रोष बढ़ता जा रहा था। हत्या की गुत्थी को जल्द से जल्द सुलझाने और आरोपियों का सुराग खोजकर उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाने के लिए रविंद्र सिंह यादव विशेष पुलिस आयुक्त क्राइम ने DCP अंकित सिंह ज्वाइंट CP SD मिश्रा और ACP सुशील कुमार की सुपरविजन व इंस्पेक्टर राजीव बमल के नेतृत्व में ASI रोहित सोलंकी मोहम्मद तालीम हेड कांस्टेबल गुरविंदर यूनुस तेज प्रताप सोमेश व कांस्टेबल अनुज की एक टीम का दोपहर 12 बजे के आसपास गठन किया। टास्क मिलते ही बिना समय गवाए दोपहर 12:30 के आसपास इंस्पेक्टर राजीव बमल अपनी टीम के साथ क्राइम सीन पर पहुंचकर जांच में लग गए। इंस्पेक्टर राजीव बमल घायल दीपक से मिलने तुरंत हॉस्पिटल पहुंचे। घायल दीपक ने बताया कि वारदात वाले दिन कमल और वो दोनों 3rd फ्लोर पर मौजूद थे। 8 बजे के आसपास कमल को अकेला छोड़कर वो किसी काम से बाहर चला गया था। 8:30 बजे के आसपास जब वो वापस लौटा तो वहाँ कमल तो नहीं था, लेकिन चेहरा ढके 2 लड़के थे जिनको वो नहीं जानता था। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता बदमाशों ने उसके कंधे पर चाकू से हमला कर दिया और उसके हाथ पैर बांध कर उसे कुर्सी से बांध दिया। कमरे में एक इलेक्ट्रॉनिक लॉकर था। बदमाश उसे खोलने का प्रयास कर रहे थे लेकिन पासवर्ड न होने की वजह से लॉकर खुल नहीं रहा था, तो बदमाश पत्थर मार मार कर लॉकर को तोड़ने लगे। शोर सुनकर दूसरी मंजिल पर मौजूद मालिक का बेटा 3rd फ्लोर पर आया और कमल को आवाज लगाने लगा। मालिक के बेटे को आता हुआ देख बदमाश हथियार लहराते हुए मालिक के बेटे को धक्का देते हुए मौके से फरार हो गए। घायल दीपक के स्टेटमेंट से इंस्पेक्टर राजीव बमल ने एक बात का तो अंदाजा लगा लिया था कि वारदात को अंजाम किसी जानकार ने ही दिया है। ASI रोहित सोलंकी वहीद कांस्टेबल गुरविंदर जब क्राइम सीन के आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगालने के साथ साथ चश्मदीदों के बयान नोट कर रहे थे तब आरोपियों के बारे में अहम सुराग उनके हाथ लगा। इंस्पेक्टर राजीव बमल का शक सही निकला। CCTV फुटेज से टीम को पता चला कि वारदात को अंजाम जिर्जिस नामक लड़के ने अपने एक साथी के साथ मिलकर दिया है। इन्वेस्टिगेशन में टीम को पता चला कि आरोपी जिर्जिस पीड़ित के दफ्तर में ही असिस्टेंट की नौकरी करता था, लेकिन किसी बात पर एडवोकेट अमित कुमार ने इसे 1 महीने पहले ही नौकरी से निकाल दिया था।
आरोपी की पहचान होते ही टीम ने पीड़ित परिवार व चश्मदीदों से पूछताछ करके आरोपी का मोबाइल नंबर भी खोज लिया। मोबाइल को टेक्निकल सर्विलांस पर लगाकर टीम आरोपी की हर एक्टिविटी और मूवमेंट पर नजर रखने लगी। लेकिन पुलिस से बचने के लिए आरोपी ने वारदात के तुरंत बाद से ही अपना मोबाइल ऑफ कर रखा था। टेक्निकल सर्विलांस से टीम को पता चला कि आरोपी ने कुछ एक सेकंड के लिए अपना मोबाइल ऑन किया था, जिसकी लास्ट लोकेशन कश्मीरी गेट बस अड्डा दिल्ली के आसपास की आ रही थी। एक टीम को तुरंत कश्मीरी गेट बस अड्डा भेजा गया। बस अड्डे पर बहुत भीड़ थी, ऐसे में आरोपी को खोजना अपने आप में बड़ा चैलेंज था। टीम के सदस्य सादी वर्दी में घूम घूम कर भीड़ में आरोपी को खोजने लगे। टीम की पारखी नजर से आरोपी बच न सका। हेड कांस्टेबल गुरविंदर को भीड़ में एक सस्पेक्ट दिखाई दिया। सस्पेक्ट का हुलिया आरोपी जीरजिश से हूबहू मेल खा रहा था। टीम ने सस्पेक्ट को चारों ओर से घेर कर दबोच लिया। तलाशी लेने पर आरोपी की जेब से एक आधार कार्ड मिला, जिस पर जीरजिश मेहंदी पता मेरठ का लिखा हुआ था। शक्ति से पूछताछ करने पर सस्पेक्ट ने स्वीकार कर लिया कि वही जीरजिश मेहंदी है और दिनांक 26 जून की रात अपने मालिक एडवोकेट अमित कुमार के घर में हत्या को अंजाम दिया था। गिरफ्तार आरोपी जीरजिश मेहंदी ने वारदात में शामिल अपने दूसरे दोस्त का नाम अमन तिवारी बताया। आरोपी जीरजिश मेहंदी की निशानदेही पर दूसरे आरोपी अमन तिवारी को कृष्ण विहार कॉलोनी कंझावला रोड बवाना दिल्ली से दबोच लिया। पूछताछ में आरोपी जीरजिश मेहंदी ने काफी चौंकाने वाले खुलासे किए। आरोपी ने बताया कि वो पिछले काफी समय से एडवोकेट अमित कुमार के ऑफिस में असिस्टेंट की नौकरी कर रहा था। कुछ दिन पहले ऑफिस से एक्सरसाइज करने वाले डंबल चोरी हो गए थे। एडवोकेट अमित कुमार ने डंबल चोरी का आरोप लगाकर बिना तनख्वाह दिए उसे नौकरी से निकाल दिया था। लेकिन कुछ दिन बाद एडवोकेट अमित कुमार की पत्नी ने उसे फिर से नौकरी पर बुला लिया था। ऑफिस में उसे फिर से देखकर एडवोकेट अमित कुमार आग बबूला हो गए और ऑफिस में पहले से मौजूद अन्य स्टाफ व मिलने आने वाले वकीलों के सामने उसे बहुत जलील किया और धक्के देकर ऑफिस से बाहर निकाल दिया। अपने मालिक एडवोकेट अमित कुमार की यह हरकत आरोपी जीरजिश मेहंदी के दिल में चुभ गई। इंसल्ट का बदला लेने के लिए आरोपी जीरजिश मेहंदी अपने मालिक एडवोकेट अमित कुमार को जान से मारने की योजना बनाने लगा। इस वारदात से कुछ दिन पहले भी आरोपी जीरजिश मेहंदी अपने कुछ साथियों के साथ एडवोकेट अमित कुमार को मारकर लूटपाट के इरादे से इलाके में आया था। लेकिन मुंह पर गमछा लपेटे होने की वजह से गश्त कर रही पुलिस टीम ने इन्हें पकड़ लिया। क्योंकि पुलिस टीम को उस समय जीरजिश मेहंदी के इरादे के बारे में नहीं पता था, इसलिए इनके खिलाफ आवारागर्दी का पर्चा देकर इन्हें छोड़ दिया था। 26 जून की रात लगभग 8:30 पर जीरजिश मेहंदी अपने एक साथी के साथ पिस्तौल और चाकू लेकर फ्लैट के अंदर घुस गया। जिस इमारत में वारदात हुई है उसके दूसरे और तीसरे फ्लोर पर अमित रहते हैं। तीसरे फ्लोर पर ही उन्होंने छत पर अपना ऑफिस बना रखा है। आरोपी जीरजिश मेहंदी को पता था कि उसका मालिक एडवोकेट अमित कुमार देर रात तक ऑफिस में बैठकर कोर्ट का काम करता है। लेकिन जब जीरजिश थर्ड फ्लोर पर बने ऑफिस में गया तो वहां उसे एडवोकेट अमित कुमार नहीं मिले, क्योंकि उस दिन एडवोकेट अमित कुमार अपनी बेटी और पत्नी के साथ दिल्ली से बाहर गए हुए थे। मौके पर घर का नौकर कमल मिला। एडवोकेट के मौके पर न मिलने पर आरोपी जीरजिश ने ऑफिस में लूटपाट करने के इरादे से ऑफिस में रखा लॉकर खोलने की कोशिश की, लेकिन लॉकर केवल एडवोकेट अमित कुमार के फिंगर से ही खुल सकता था। लॉकर न खुलने पर आरोपी पत्थर से लॉकर को तोड़ने लगा। कमल जीरजिश को पहचानता था। कमल ने जब विरोध किया तो आरोपी जीरजिश ने अपनी पहचान छुपाने के लिए कपड़े प्रेस करने वाली स्त्री के तार से कमल का गला दबा दिया और हाथ पैर बांधकर बेड के अंदर डाल दिया। तभी घर का दूसरा नौकर दीपक भी आ गया। दीपक आरोपी जीरजिश को नहीं पहचानता था। इससे पहले कि दीपक कुछ समझ पाता, आरोपी ने दीपक पर चाकू से हमला कर दिया और उसके भी हाथ पैर बांधकर उसे कुर्सी से बांध दिया और फिर से लॉकर को तोड़ने लगे। शोर सुनकर जब दूसरी मंजिल से एडवोकेट अमित कुमार का बेटा थर्ड फ्लोर पर आया तो आरोपी दरवाजा खोलकर हथियार लहराते हुए उन्हें धक्का देते हुए मौके से फरार हो गए। एंटी एक्सटॉर्शन एंड किडनैपिंग सेल क्राइम ब्रांच सनलाइट कॉलोनी की टीम ने हत्या की सनसनीखेज गुत्थी को मात्र 3 घंटे के अंदर सुलझाते हुए आरोपियों को दबोच लिया। सनसनी ऑफ इंडिया नेटवर्क। क्राइम कहीं भी और क्रिमिनल किसी भी भेष में हो सकता है। रहे हर पल चौकस और हाँ, क्राइम की खबरों से अपडेट रहने के लिए सनसनी ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। कहीं डर तो कहीं दर्द, कहीं आत्महत्या तो कहीं हत्या।
कहीं साजिश, तो कहीं रंजिश। हर जुर्म का करेंगे पर्दाफाश। देखें हर रोज रात 10:30 बजे सनसनी ऑफ इंडिया। कड़ी नजर, खरी खबर और सच दिखाने की हिम्मत। सच दिखाते हैं हम, सनसनी ऑफ इंडिया हिंदी साप्ताहिक न्यूज़पेपर, हर रविवार आपके द्वार, जो आप तक पहुंचाता है क्राइम से जुड़ी सभी खबरें सिर्फ 5 रुपए में। दिन के उजाले में और रात के अंधेरे में हर अपराध पर है हमारी कड़ी नजर। जुर्म की हर खबर से कराएंगे आपको रूबरू। देखना ना भूलें सनसनी ऑफ इंडिया।